अपना पिता को बसने की जाओ, अपना पिता
के जगा गया कौन था मैं कहां से आया क्या पता क्या हो गया कौन था मैं कहां से आया क्या पता क्या हो गया कृपा भई गुरुदेव की ऐसी काक से हंस बना दिया चौरासी की नींद में मान सतगुरु आके जगा गया चौरासी की नींद में मान सतगुरु आके जगा Oh,
कच्चा जल होवे तो भी जीता है और जल न हो तो भी जी लेता है। हम देखते हैं तलाई में जल समाप्त हो जावे फिर भी बाकी हम मेंढक देखते हैं कच्चा देखते हैं जिस तलाई में जल समाप्त हो गया वहां कभी मच्छी को देखा है।
जिदो दिल के साथ ही अपना प्रवान करते हैं, जिंदे नहीं रह सकते, वो जल की शरण है। ऐसे ही गुरु महाराज का शरणा हो, जैसे मीने रे वे जड़ माही, जैसे गाइए रहे जड़ में लेकर के पांच सांस लेकर के भजन सुमन पर साधना का और साधु संगत मन भावे। सत्संग की तो अगले साल बने रहे, जिज्ञासा बने रहे, आतुरता बने रहे, सत्संग की बिगड़ और कोई सहावे नहीं भावे नहीं, उनको कचु भावे नहीं, एक भावे सत्संग और कोई सुनाता ही बहता ही नहीं, सत्संग मिल जाता है न्याल हो जाता है। उनको कुछ भावे नहीं, एक भावे सत्संग, लोहा कंचन हो गया कर पारस बस। पारस का संग करने से बहुत सुन बन जाता है, ऐसे साधु का संग से ही साधु हो जाते हैं, साधु का संग से साधु ही हो जाते हैं। संग का प्रभाव है, अमली लोगों का संग करने से कई लोग अमली बन गए, शराबियों का संग करने से कई लोग शराबी हो गए, जुआरियों का संग करने से कई लोग जुआरी बन गए। बोलो राम। तो साधु का संग से कम हम क्या साधु नहीं बनेंगे? बोलो राम। साधु का संग साधु ही हो, सजनों का संकल्प अपने अंदर सजनता आएगी, सिद्धांत है जैसा संग तैसा रंग आए। तो अब सब गुरुमुखी भाई बहन हो, सदा साधु का संग करो, साधु का आदर करो, जो साधु है जो साधना करता है उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। भाई भाई हम सब गुरुमुखी भाई बहनों हो, चंद्रियाव जी महाराज की तब भूमि में आप हम बैठे हैं, जो साधना करता है भजन करता है सेवा करता उनका सम्मान करो, उनका आदर करो। भागा सूर्योदय घट किया, क्योंकि जो हमारे जीवन में अंधेरो है तो वो गुरु महाराज की कृपा से प्रकाश हो गो,
मेटी रेन तिमर सब भागा सूर उदय घट किया बे। क्योंकि जो हम अपनो जीवन बता रहे थे बिना भजन साधना के, वो गुरु महाराज ने कृपा करके भक्ति हमें प्रदान करी, सूर उदय घट किया बे। कैसो ग्राम बेरंग को चेहरा सब अंग सुध कर दिया बे। सदगुरु सा कोई सैन न देखा ना कोई वासन दाता बे। तो बिना गुरु महाराज के हम सब जीवों के हितकारी सदगुरुदेव हैं। तो हम हमेशा गुरु महाराज के वचन को अपने जीवन में धारण करें और बताए हुए मार्ग पर चले तो हम जरूर भाव सागर पार कर रहे हैं। अगर वो हम बताए हुए मार्ग पर नहीं चले तो हमें फिर गोता खाने पर है। भाई हम भले सत्संग में बैठे, जब तक सत्संग हमारे अंदर नहीं बैठे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो हम अपने जीवन में सत्संग की बातें बैठा रहे, उनके मार्ग पे चले। हमने जीवन बिता दो सत्संग में बैठ गए, लेकिन सत्संग की बात जब तक नहीं बैठे तब तक हमारा कल्याण होवे वालों नहीं है। और महाराज फरमा रहे कि सतगुरु को ये कोई शब्द मन कोई ले वे मान तो सहज हो दे संत दास मुश्किल से आसा। कितनी भी बड़ी मुश्किल हो गए लेकिन गुरु महाराज के हम जीवन में एक ही शब्द उनको अपने धारण करें और उसी को याद करें तो भी हम भाव सागर पार हो सके। तो गुरु महाराज की ऐसी अनंत महिमा है, अपार महिमा है। सतगुरु साहब कोई सैन न देखा ना कोई वासन दाता वे। तीन लोग में फिर हम देखा गुरु बन दो जग जाता वे। बोलो राम जी महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। राम यो में यज्ञ जप तप करो चाहे अड़सित तीरथ ना उरे आत्म इक तार मिनारे उरे आत्म इक जग के गेले सदगुरु साजो नाम सुनाए भर में। बोलो साजो नाम सुना साजो नाम सुनाए सदगुरु साजो नाम सुनाए भर में दाता बांधे वो साजो नाम सुना ये बिन गुरु गमने से बिना केवे के वावे कोड़ बिन गुरु गम मेचे बिना केवे के वावे कोड़ रे वही केवे के वावे जन हरि राम उन जीव से रे जन हरि राम उन दी देखत रहिए दूर साचो नाम सुनाए भर में कोई सतगुरु बांधेवो साचो नाम सुना साचो नाम सुनाए सतगुरु साचो नाम सुनाए भर में कोई दाता बांधेवो साचो नाम सुनाए भर में कोई सदगुरु बांधे वो साचो नाम सुना। प्रेम से जो स्मरण करे तो सेम जीव शिव पद को प्राप्त कर ले धस्य हो जाता है। ये तने ऐसा लोई जो कोई समझ रहे सुमरे साहिब तो आप ही करता है। एक में लाड़ो
केवल शास्त्रों सहज भजन में लागो, सुमन में लागो, सब शास्त्रों का सार निचोड़ है ये। इनके बिगैर सब जग के गे ले जाए, संगत के साथ ही जाना है। पूरा आता निकता बिना जग के गे ले जाए। और में जब दिल में ये लाय नहीं लगी है, लगन नहीं लगी है, सब जगत के साथ ही जाना है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। बिना गुरु गम ने छे बिना कहवे तब आवे गुरु गम। गुरु गम का गुरु महाराज का ज्ञान, भजन का विवेक पावे, बहुत पावे। ऐसी सुनी सुनाई बात करते हैं, उन्हें क्या लाभ होना है। केता सुनता दिन गया कछु हाथ नहीं आवा, दादू हर की भक्ति बिना पुराने पिछता। कहने से सुनने से लाभ न होगा भाई, कुछ करो करो करो, करते हो और गति बढ़ाओ, नहीं करो तो आशीष शुरू करो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किस समय जीवन चला जाए। ऐसा नहीं बूढ़ा बूढ़ा लोग लोग ऐसे हो जाते हैं। हरी जी रो, ज्यादा कोई आयु नहीं थी, उम्र नहीं थी, बड़ा बलवान शरीर था, भावुक थे, बड़े आस्तिक थे। गुरु धर्मी थे, एक गुरुमुखी होता है, एक गुरु धर्मी होते हैं। बोलो राम। या आज जितने जो आए हुए हैं सर, हमको गुरु धर्मी ही लगते हैं। ये तो गुरुमुखी होता है, ये गुरु धर्मी होता है। गुरुमुखी तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, गुरु धर्मी बहुत थोड़े थोड़े लोग होते हैं। गुरु धर्मी और गुरुमुखी में कितना अंतर होता है। जैसे एक स्वागन होती है, एक प्रतिव्रता होती है, उनमें कितना अंतर होता है। मच्छी जल की शरण है, जल ही उनका जीवन है भाई बहनों को समझ आना। दूध जल से कीमती होता है, जल से निकाल करके दूध में छोड़ दो, मच्छी नहीं जिएगी। भले वो दूध कीमती हो ना, मच्छी कहती हमारा जीवन तो जल है, दूध नहीं है। मच्छी जल की शरण है। बोलो राम। एक शरण होना होता है, एक साथ पास रहना होता है। मेंढक कच्छप और मच्छी तीनों ही जलचर जीव, प्रसंग ध्यान देना। सब खरे खरे लोग हो, हुक्मीरा ने सब खरे खरे लोगों को ही निमंत्रण दिया है। सब आरुद्रों की भाई बहन हो, सब सत्संग भाई बहन हो, सब राम सने भाई बहन हो। बोलो राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। मेंढक कच्छप और मच्छी तीनों ही जल में रहते हैं, पर मच्छी जल की शरण रहती है, मेंढक और कच्छप जल के साथ रहता है। कैसे समझे? तीनों का जगह एक ही रहने का एक ही स्थान, तीनों जल में रहते हैं, पर वो साथ कैसे, पास कैसे, और वो शरण कैसे? बहुत बार सत्संग में चर्चा होती है। मच्छी जल की शरण है, कच्छप मेंढक जल के साथ रहता है, जल के पास रहता है। Jai 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 Jai
संते भगत पैदा कर ली जो ए सुन जो माया माया है संत भगत पैदा कर ली जो ए सुन जो माया नारे भगत पे ना कर फिरतावे हे मती ना गमा जो काया है बिनारे भगत पे ना कर फिरतावे गाओ हे मती ना गमा जो काया आप लोगों की सेवा में भेंट किया है इस जनों ने।
और यहाँ आश्रम में संतों के निवास में ऐसी स्थिति है और प्रथम थाला भेंट के सब सज्जनों को बहुत बहुत साधुवाद है। भाई लोगों का निवेदन है अपना वाहन धीरे धीरे चलाता जाइयो, भाई लोग अपना अपना वाहन धीरे धीरे चलाता जाइयो। Thank you.
का उपदेश। माया जो खर्चन पटो भविन जो जोड़ जोड़ करके गए वो क्या वापस आएंगे खर्च करने में? कभी नहीं। आप हम कैसे आएंगे? लगाओ परमात्मा लगाओ अपने लिए कुछ कर जाओ। माया जोड़ खर्चन पटवा भविन में जन फेरा वापस खर्च करने के वापस नहीं आओगे। बीवी बायर हुर मेल में कबर भी आना गया। हिंदू शमशान कहते हैं मुस्लिम कबर कहते हैं। अंत में कबर में जाना लेना होना शमशान में जाना उसके पीछे छू जाएगा उसने कुछ कर जाओ। बड़ा सुंदर प्रश्न धर्म बिना शोभा नहीं धन की दीपक बिना शोभा नहीं भगवान की और भजन बिना नम्रता नहीं नर की। भजन की बिगड़ नम्रता वासना की निवृत्ति नहीं होती। भजन से ही अंतर्गुण की शुद्धि होती पवित्रता होती है। दरिया आपन मन भरा कैसे निर्मल होई सानुन लावे प्रेम का राम नाम जपन अपनी मनवाणी को Thank you.
अमृत है संतों के पासा, अमृत है संतों के पासा, सब अमृत बातन की माता, सब अमृत बातन की माता, अमृत है संतों के पासा, अमृत
दूसरा सन्यासी
पाए रवाना भेद का मैं राम का राज के दरिया हो साधु आहे मेरे से भजन करता हूँ साधु आप सब साधु I'm gonna make you mine.
हरियाम जी महाराज की हो। परे नर रहने ने रेता बिन रहने रा कैसा ज्ञाना मन प्रमोद सखनी अपना कोरा ने पूछा म्याना अपना मन को जो समझा नहीं सकता है दूसरों को क्या समझा दूसरों को क्या पूछे क्या उपदेश करे क्या सुनावे क्या सुनाए मान को जन्म हीरो हाथ ने आवे बल चोरा सीरा फेरा लेवनो है तो ले लो मारा भया आए लेवन हरी लेना हंस हवे सो हंस गति चाले हंस है वही हंस होगी हंस की चाल चलता है चिल्लर पावने मेरे बोल रहा हूँ हंस को ने सजन को संत लोग गुरुमुखी लोग हंस सहे वो कभी कुसंगी तरफ कदम नहीं भरे कभी कुसंगी तरफ नहीं जावे हंस हवे सो हंस गति चाले चिल्लर पावने मेले हंस कभी चिल्लर की तरफ नहीं जाता है क्यों चिल्लर में उनको मोती नहीं मिलते क्या करे वहां वो हंसा सदा के लिए और सागर में वास करता है कितना है वो उनको जल खारा है फिर वो सहन करता है और सरोवर का त्याग नहीं करता अगर हंसा सरोवर का त्याग करके छिद्र में चला जावे उनको कोई हंस नहीं कहेंगे इसीलिए गुरुवाणी कहती है गुरुमुख लोगों के लिए बड़ा सुंदर प्रसंग है गुरु महाराज कितने ही ताड़ना देवी कितने कसूरी देवी कितना ही कुछ करे फिर भी गुरु धर्म का त्याग नहीं करो गुरु महाराज का शरणा नहीं छोड़ो फरीद साहब कहते हैं हंसा सरवर ना तजो ये जल खारा होई छिद्र छिद्र भटकता हंस कहे नहीं कोई बड़ा सुंदर प्रसंग है छिद्र में कोई हंस नहीं है उनको भूला ही कहेंगे कि हंस छिद्र में जाता ही नहीं है तो इसलिए महापुरुष कहते हैं चाहे कितना कुछ हो सरवर का त्याग न करे हंसा भले जल खारा हो वास निवास सागर में ही करो ऐसे कितने कसूरी ताड़ना फिर भी गुरु महाराज का शरणा नहीं छोड़ो और छिद्र छिद्र भटकता हंस के बेने को बोलो राम बड़ा सुंदर कबीर साहब की वाणी बड़ी ठोस वाणी है एक एक शब्द में बड़ा विवेक भरा है गहराई भरी है विवेक भरा है हंस हमेश हंस गति चाले छिद्र भाव नहीं मेले संत भया जरा घट उजाड़ी अखंड कला से खेले संत जो है उनके घट में प्रकाश उजाड़ है ज्ञान का प्रकाश है वो अखंड कला से खेले अखंड जिनमें कोई खंडिता नहीं है ऐसी जो कहते कला ऐसी धारा ऐसी धारणा उन पर जो कहते गंभीर रहे गर्क रहे बोलो राम जी महाराज पांचाने बुलटे एक घर लाओ अनुभव यात रे शीस उतार धरे गुरु चरण धड़ से धरे लड़ाई रे शीस उतार धरे गुरु चरण से धरे लड़ाई रे पांचन उलट एक घर अनुभव आत्म वाणी रे सरिया है बारा खाजा ये लोगों का उदार हुआ कल्याण हुआ है कुछ साधना करने से भजन करने से करने करने से ही होता है कहने से सुनने से लाभ नहीं होगा कुछ आप हम करेंगे तभी लाभ होगा केता सुनता दिन गया कुछ हाथ नहीं आवा दादो हर की भक्ति बिना प्राणी पिसतावा कहते कहते सुनते सुनते गौर से अपना पीत अब कुछ करने की बात कुछ करो भाई भजन करो सुनन करो साधना करो सत्संग करो जो आप अनुकूल करो साधना करके अवधार करो कल्याण करो शान पलर सिर भेद भया है अजुन आवे लाजा तिरिया झका नर करने से तिरिया सरिया है मारा भाजा कुछ करने करो साधना करो भजन करो श्रवण करो सत्संग करो यही करनी
जीव का उद्धार करने वाली है। बोलो राम। दो प्रकार की करणी है, एक शुभ करणी है, एक अशुभ करणी है। शुभ करणी उद्धार करती है, अशुभ करणी जीव को नरक में धकेलती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कतनी करे नर रेणी रेवे बिना रेणी का कैसे ज्ञान। कतनी बहुत करते हैं, रेणी नहीं है, नहीं कोई करणी है, तो वो ज्ञान कौन काम का है। इसलिए महापुरुष कहते रेणी करणी क्या है। रेणी कैणी साधु की एक राम का ध्यान, बाहर मिलता सो मिले भीतर आत्म ज्ञान। साधु की रेणी करनी क्या, साधु किसको कहते हैं, सबको जान देना। बहुत बार सत्संग में चर्चा होती है साधु जो शब्द है इनसे वेशभूषा से संबंध नहीं है। साधु शब्द के साधना करने हो, साधना करता हूं उनको बारे में साधु कहा है। आप सब लोग साधु हो, साधना करने वाला का साधु का आपकी कौन साधना है, कि सत्संग में बैठो सत्संग कर रहे हो, ये आपकी प्रथम पहली साधना पहली भक्ति बताई गुरुवाणी में, प्रथम भक्ति संतन कर संग्रह ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये पहली भक्ति है संतों को संग करो, संतों के साथ में बैठो ही, ये प्रथम भक्ति ही साधना है। और साधना करते हुए उनको साधु कहा है। बोलो राम। तो जीवन का सार ही साधना है, साधना के बीच जीवन कैसा है। बिरता सर पाल कुंभ बिना जल बीज बिना जैसे खेतर जीवो। महापुरुष कहते हैं बिरता सर पाल कुंभ बिना जल, जिस सरोवर के पाल नहीं है, पाल बिना सागर में जल भरता नहीं, जल की बिना सागर की कोई शोभा नहीं। कुंभ बिना जल जिसको हमें पानी नहीं है उसको आगे क्या कीमत है, कोई कीमत नहीं। बीज बिना जैसे खेतर जीवो, खेत में कितने दर्शन कमावे कितना कुछ कर दे, अंदर में बीज ने बहुत क्या फसल मिले। ऐसे ही भजन की भी साधना की भी जीवन का कोई अर्थ नहीं है। खेत नहीं निभजे बीज बिना जल सिंचा क्या होई, सेवा निष्फल राम बिना दादू जानत है सब कोई। दूसरा कितना हम कर्म कांड करते हैं, कितना तीर्थ कर लो अर्थ कर लो हम कर लो यज्ञ कर लो धन पुण्य कर लो, जब तक भजन स्मरण नहीं किया तो जिनका उद्धार नहीं होगा कल्याण नहीं होगा। दूसरा कर्मकांड करते हैं उनके द्वारा पुण्य मिलता है, पुण्य का फल मिलता भोग मिलता है, पर भोग भोगने के बाद जीव फिर कंगाल हो जाता है। भजन करने से जीव को मुक्ति और मोक्ष मिलते आवागम का चक्र से छुटकारा मिलता है। बोलो राम। तो रेणी के अणी साधु की एक राम का केवल राम जी महाराज ध्यान कर लो और उनमें निष्ठा रखने उनमें आस्था रखने, फिर भी कितनी आपत्ति कितनी विपत्ति कितना संकट में भी धावा डोल नहीं हो। Sing the song.
जानकारी बोध विवेक अपना आत्मा का अनुभव करे, अपना आत्मा का बोध करे। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये जानने का नाम अनुभव कहते हैं। बोलो राम। जान लिया, साक्षात कर लिया, समझ लिया, उनको बोध कहते हैं, विवेक कहते हैं, अनुभव कहते हैं। बोलो राम। ऐसा अनुभव, एक तो जानकारी होते हैं, एक अनुभव होता है। दो प्रकार का ज्ञान आने में, एक सीखित ज्ञान है, दूसरा अनुभव ज्ञान है। सीखित ज्ञान किसी से सुनकर के सीख लिया, किसी वाणी शास्त्र में पढ़कर के सीख लिया, वो सीखित ज्ञान कहलाता है। दूसरा साधना करके जब स्वतः ज्ञान उदय होता है, जैसे खोदत खोदत रेण का सिर प्रगटे आए, भूमि के अंदर खुदाई करते करते अंदर में जल की सिर प्रकट होती है, ऐसे सासों सास श्रवण करते करते अंदर में ज्ञान की सिर प्रकट होती है। सासों सास भजन करने से तीन योग साथ में सिद्ध होता है। दरिया प्रेमी आत्मा करे राम सहयोग, ज्ञान खुले आरवल बढ़े दही रहे निरोग। गुरुवाणी कहती है सासों सास भजन करने से प्रथम ज्ञान की सिर प्रकट होती है, फिर आयु भी बढ़ती है, शरीर में निरोगता भी आती है। भजन करने से तीन घटना साथ में घटती है। बोलो राम। तो सासों सास श्रवण करना सुनो, शरीर में निरोगता भी आवे कि अपने शरीर में की बीमारी का कीटाणु है, तो सासों सास श्रवण करना सुनो कि बीमारी का कीटाणु नष्ट हो जावे, निरोगता का कीटाणु में पलवान हो जावे, शरीर में निरोगता आवे। सासों सास भजन करना सुनो, आयु उम्र भी बढ़े। शरीर में जो सांस तो चलता ही रहे और सांस गंती का है, और सासों सास भजन करना सुन, सांस कम खर्च हो, समय ज्यादा बढ़ जावे, तो ऐसे आयु भी बढ़ती है, आयु बढ़ जावे। एक सांस के साथ में छह सांस खर्च बताए वाणी ने मैंने, अब गिनती लगाना हमारे सांस के साथ में। आया है कि परमात्मा के हम भाग लेने के लिए जावे, साधक साधना में लगता है, साधना करते करते साधक स्वयं जो होते हैं उनमें ही ले होकर के अद्वैत हो जाता। कैसे, कवि साहब ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, जैसे नमक की ये पुतली है, यही समुद्र के था, समुद्र को साग लेकर वहां तक गई, तो जीव गहराई में गई, जो मिटते गई, मिटते मिटते से मिट करके स्वयं सागर ही बन गई। ऐसे साधक साधना करता भजन करता है, भजन करते करते जीव भाव मिट जाता है और शिव भाव प्राप्त हो जाता, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही वो तत्सत हूँ। तो ऐसा महापुरुष कहते हैं, सदगुरु मिल्या जद सुदा रचिया, भाव भक्ति विश्वासी, रोहिल रतन अमर बलाला शिव सारे अभ्यासी। तो जीवन का सारी भजन है, सुमन है, ज्यादा से ज्यादा राम नाम करो, सुमन करो, सत्संग का सारी ही भजन है। भजन करने से ही जीव का उद्धार कल्याण होना है। कहता सुनता दिन गया, कछु हाथ में आवा, दादू हर की भक्ति बिना प्राणी पीसता। खूब सुमन करो, खूब साधना करो, राम राम करो, खूब साधना करो, अपना जीवन का सुधार अपने को करना होगा भाई। जीवन का दूसरा कोई करने वाला नहीं, जीवन का कोई अर्थ भी नहीं, किस समय जीवन पूरा हो जाए, क्या पता है जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। बोलो राम 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 राम
सदगुरु श्री दरिया जी महाराज के चरणों में प्रणाम प्रणाम करते हुए श्री बाणी जी महाराज के चरणों में प्रणाम प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम प्रणाम करते हुए अनंत अनंत बोध भविष्य वर्तमान के सभी महात्माओं के चरणों में पंडोर प्रणाम करते हुए धर्म अनुरागी संत सनही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सनी भाई हो माता वगैरह राम जी महाराज की असीम कृपा से गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सब बहनों के पुण्य के प्रताप से हमारे सत्संगी गुरुओं की राम सुनि सोदर्शित निवासी भाई बाबूलाल जी इनके धनपत्नी ताराबाई जी इनके परम प्रसाद से हल्दी भावना से आज का सवेरे का भोजन भंडारा अभी का सत्संग इनकी भावना से हो रहा है। बहुत सुंदर प्रसंग है ये हरिद्वार धर्म क्षेत्र भूमि है। ये भूमि ऐसी है हमें थोड़ी सी कोई साधना करे थोड़ी सी सेवा करे उनको बहुत सिद्धि प्राप्त होती है। भूमि का भी प्रधानता होती है समय का भी प्रधानता होती है वातावरण का भी प्रधानता होता है। बहुत ही पवित्र पावन भूमि है यहाँ अभी
महात्माओं का पर्व चल रहे है या कई संत राजस्थान से आकर भी यहाँ हम सत्संग का लाभ ले रहे हैं, संत सेवा का लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर प्रसंग है ये। वीरे का वीरे का अर्थ है परमात्मा के वियोग का दुख, उनको वीरे कहते हैं। ऐसा वीरे दिल में कब प्रकट होता है, जब परमात्मा स्वयं कृपा करके दया करके मेहर करता दरिया हरि कृपा करी मेरे दिया उठा रहा है। ये मेरे मेरे साधु को सुधार लिया प्रसन्नता परमात्मा का वियोग का दुख है, उनका नाम मेरे कहलाता है। बालक अपने खेल खिलौना में खुश रहता प्रसन्न रहता तब तक माँ नहीं मिलती है। माँ के मिलने के लिए जब बालक रोता है रुदन करता है प्रसन्न, उनका रुदन को सुन करके माँ विचार करती है मेरे लिए रो रहा है कोई खेल खिलौना के लिए। माँ आकर के बालक को खिलौना देती है, खिलौना को लेकर के बालक खुश हो जाए प्रसन्न हो जावे। माँ बाप से अपना काम कार्य में लग जाती है, बालक से नहीं मिलती है। बालक फिर रोता ही रहे तो फिर माँ क्या करती है, कोई खाने की वस्तु के लिए नहीं रो रहा तो माँ उनको खाने की वस्तु देती है। खाने की वस्तु में लग गया माँ बाप से अपने काम कार्य में लग जाती है, बालकों को खुद में नहीं लेते गले नहीं लगा। आनंद आनंद हो बीरे सुन प्रभु बेग पदारो कर मुझ पर एहसान। अब हमारा पर एहसान हो कितनी किरदार हो गए। बीरे सुन प्रभु बेग पदारो कर मुझ पर एहसान। सिमरत को कंड लगावे जो करनी जो आप सवा, सिमरत को कंड लगाए जो करनी जो आप सवा। आपके समान पास से लोहा स्वर्ण बनता है पर वो स्वर्ण ही रहता है फिर लोहा नहीं बनता है। ऐसे जीव शिव की एकता होने के बाद वो शिव ही बन जाता है, जीव नहीं रहता। जन दरिया एक राम भजन कर वरम वासना हुई, साधन से सुनने से ही ऐसा होता है, कहने से सुनने से नहीं। हम सुमन करेंगे भजन करेंगे साधना करेंगे कभी उनके लिए आंसू हुआ तभी दिल की सुनी होगी अंत घन भी सुनी होगी। तभी उनका योग सिमरत को कंठ लगाओ जो कर ले जो आप अपने समाज जो सरिता समझ समान है जैसे नदी सागर से नहा करके सागर बनती है, सागर अपने समान कर लेता है। ऐसे ही श्रवण करने से जीव जीव शिव पद को प्राप्त कर लेता है। ज्यादा से ज्यादा श्रवण कर भजन को साधना कर कहने से सुनने से लाभ लेंगे कुछ आराम करेंगे तब लाभ कुछ।
ज्यादा से ज्यादा नाम सुनन करो, राम राम साधना करो। सुनन की बगैर अंत उनकी शुद्धि नहीं होगी, उनकी शुद्धि की बगैर दिल में दिलवर का साक्षात्कार नहीं होगा। बोलो भजन से आनंद की निवृत्ति होती है। तीन प्रकार जीव और परमात्मा के बीच में मल वृक्ष ऊपर आवरण, मल कहते हैं अन्य जनों के पापा को, विक्षेप कहते हैं मन की चंचलता को, आवरण कहते हैं अज्ञान को। ये तीनों पर्दा हटेगा तभी ही आत्मा परमात्मा की एकता हुई, उनका योग होगा मिलन। मल पर्दा की निवृत्ति के लिए सासु सास सुमरण ही साधन है। सासु सास भजन होगा, सुमरण होगा, तब मल पर्दा निवृत्त होगा। दूसरा पर्दा है मन की चंचलता, विक्षेप विक्षेप प्रजा की निवृत्ति होगी अभ्यास से, वैराग्य से, वैराग्य और साधना का अभ्यास हो, सुरश्रुत का योग करे तभी ये विक्षेप प्रजा बस होता है। सास को सास राम मिले बुला लो, सूरत शब्द मन पवन मिला लो, चारों की जिब्बा के द्वारा शब्द का उच्चारण करे और उच्चारण करने से जो नाद होता आवाज होती है नाद में मन को मगन करे। जैसे पुंगी की नाद से सर्व मगन होता है, भागना है भूल जाता है मगन हो जाता है, ऐसे शब्द की नाद सुनकर के मन मगन होता है और ये विक्षेप पर्दा मिट जाता है। तीसरा पर्दा है अज्ञान, अज्ञान पर्दा की निवृत्ति होगी तत्पद तंपद का संशोधन करने से। बहुत बार सत्संग हम चर्चा करते, सत्संग का चार चरण है, श्रवण मनन निध्यासन और तत्पद तंपद का संशोधन। बोलो राम। तत्पद जीव तंपद ईश्वर इनका संशोधन करना, इनका संशोधन करने से विचार करने से ही आवरण पर्दा की निवृत्ति हो। आवरण कहते हैं अज्ञान को। ये चार साधन करने से चारों चरण को ठीक समझने से ही ये आवरण पर्दा की निवृत्ति होगी। गुरुवाणी का श्रवण करे, फिर उनका मनन करे, माने मान जैसे बात का आचरण करे और फिर तत्पद का संशोधन करे तो अज्ञान की निवृत्ति हो। अज्ञान की निवृत्ति ही ज्ञान से हो, सदा दोनों प्राप्त एक ही है। अपना स्वरूप ने चिन्ह है सजने तब जी मन माने, अपना स्वरूप हो जाए, अपना स्वरूप कैसा है, एक रूप कहलाता दूसरा स्वरूप कहलाता है। शरीर का रूप है और आत्मा का स्वरूप है। रूप से सब परिचित है, कभी दर्पण देख ले जो रूप से परिचित हो गए काला हो रहा कैसा है, पर गुरुवाणी कहते हैं अपना स्वरूप को जानो। अपना स्वरूप आत्मा का स्वरूप है, वो कैसा है, वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद स्वरूप है। सत्य है, सत्कार तीन काल में कभी नाश नहीं हुए उनको शुद्ध कहते हैं, ऐसे अपने आत्मा है, ऐसे हम आत्मा। चित्त वो सदा चेतन है, उनमें कभी जड़ता नहीं आती है, सदा शुद्ध का पुंज है, शुद्ध का हम आत्मा इन सबसे परे है। बजनता पहुंचे नहीं गुरु से बताई, सुंदर तुरी अतीत में सुंदर देखाए, ऐसी मुझे रेण मिलाई, कौन सुने किसको कहूं घर नहीं आई।
अज्ञान के रात्रि मिट गए, नष्ट हो गए। चार अवस्था है, इन चारों अवस्था से आप हम आत्मा पड़े हैं। एक जागृत अवस्था कहलाते हैं, अभी हम बैठे जागे, जागृत अवस्था है। जब सुपना आता है उनको सुबन अवस्था कहते हैं, जब गाढ़ी जो नींद आती है उनको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, ज्ञान को तुरीय अवस्था कहते हैं। ज्ञान करने से हम साक्षी है, आत्मा साक्षी है। बोले वो कहता वो वचन था मुझे नहीं, वाणी को द्वारा नहीं बताया जा रहा, वचन का पहुंचे नहीं गुरु से बताई। सुंदर तुरी अतीत में इन चारों अवस्था से वो आत्मसत्ता परे है। सुंदर तुरी अतीत में सुंदर ठहरा ही वो मैं आत्मा ही हूँ। तुरी अतीत कौन है, बोले मैं आत्मा। बोलो राम राम। वह आत्मा परमात्मा की देवता तो ज्यादा से ज्यादा सुना वाणी में, ज्यादा से ज्यादा सुन पर जोर दिया है। सगल ग्रंथ का अर्थ है, सगल बात की बात, दरिया सुमन नाम का कर ले बिना। सुमन सुमन राम राम कहना, ये परमात्मा के धाम को लग भरना है, कदम भरना है। नाम लिया सो पार पहुंचिया, और बार का भारी जन राम जो नाम का सुमन किया है, वो मंजिल पाई वो ठिकाना पाया है। बाकी लोग संसार के चक्कर में भटकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा भजन करो। क्या आप हम आए हैं इस धर्म क्षेत्र भूमि में, हरिद्वार में, माँ कुंभ के पर्वे में, ज्यादा से ज्यादा भजन करो। सत्संग के समय सत्संग करो, सेवा के समय सेवा करो, और बाकी समय श्रवण स्मरण करो। बहुत बहुत नेता भजन साधुवाद है। अगले बहुत सुंदर सत्संग करना दिया, अभी सब बड़े भाग्य सत्संग करना दिया। Thank you.
श्री दरियाव राम सिन्हा आश्रम हरिद्वार में पूज्य गुरुदेव परशुराम जी महाराज के सानिध्य में महाप्रसादी वितरण और संत सेवा का लाभ लेते हुए हमारे मार साहब जी, सेन जी महाराज, किशोर जी, हनुमान जी, फुगली भाई जी, प्रसाद और संतों का दर्शन का लाभ लेते हुए वो सच्चा है ही नहीं, जो सच पे चले धर्म पे चले पूज्य भाव जी महाराज के दर्शन मौत आएगी तो मार्च रोक ले। चलो 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 हाँ भगवान पूज्य भाव जी महाराज के सानिध्य में हरिद्वार आश्रम में संत सेवा का लाभ लेते हुए चलो 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 मछली मीन पपई जल दिन तज दे प्राण कैसा कैसा उदाहरण मछली मीन पपई जल दिन तज दे प्राण पतिव्रता राजी उर में जब ही पावी पीव निदान पतिव्रता राजी उर में जब ही पावी पीव निदान सजन मान धरावो में महान दिव मैया देव मैया दरदान
मछली मीन पपैया जल बिन तजदे प्राण पतिव्रता राजी उर में जब ही पावे पीर निधान। बोलो बड़ा सुंदर पतिव्रता को सांसिकता मिलती है जब प्रीतम मिले कोई दशा तुम हो समुद्र में तरंग तुम्हारी मैं गोपी तुम तुम हो समुद्र में तरंग तुम्हारी मैं गोपी तुम कान तुम ब्रह्म में इच्छा तुम्हारी जो ये मान तुम ब्रह्म में इच्छा तुम्हारी जो ये मान सजन मारा बरारो मेरा सजन समुद्र में तरंग तरंग और समुद्र दोनों एक ही है इस जीव आत्मा परमात्मा एक ही है। जब तक परमात्मा का परिचय नहीं है जानकारी नहीं है तब तक रुदन है तब तक रोना है। जब उनका परिचय हो जावे मेर वो एक ही है फिर रोना नहीं फिर हंसना ही हंसना है फिर प्रसन्नता ही खुशी ही खुशी है। लालजी महाराज एक प्रसंग को ला देंगे। एक जंगल में एकांत में एक महात्मा परमात्मा के लिए आतुर होकर रो रहे हैं हम गए हंसु दे रहे योग से वह घूमता फिरता एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति चला रहे उस महात्मा को रोता को देख कर वो भेड़ वाला को दया आई किसी ने मारा है पीटा किसी को कुट दिया कुछ लिया है इसलिए बेचारा रो रहा है। वो जाकर के पूछने लगे रोने का काम बाबा क्यों रो रहे क्या हो गया है किसी ने मारा पीटा है किसी ने लोटा कोसा है तो क्यों रो रहे हो आप ज्यादा रोने लगे विलाप करने लगे। उस व्यक्ति ने कहा क्यों बाबा क्यों रो रहे हो रो गया मेरे क्यों रो रहे हो रहे बोले परमात्मा के मिलने के लिए उस खुदा साहिब के मिलने के लिए इतनी उनकी बातचीत हो गई फिर वो अपने पेड़ों के पीछे चला गया। उस दिनों के बाद फिर उसी ही जंगल में गया आगो महात्मा भाई बैठा है बड़े खुश है बड़े प्रसन्न है हंस रहे हैं खिल रहे हैं। और एक तीजा करके पूछने लगा क्या वो पीड़ा मिल गया वो परमात्मा राम जी तुमसे मिल रहे हैं महात्मा कुछ जवाब नहीं दे रहे कहो बड़े तुम खुश हो बड़े हंस रहे हो क्या मिल गया वो मालिक महात्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया तो बोले उस दिन रोने का तुमने कारण बताया कि मैं भगवान के लिए रो रहा हूं आज हंसने का कारण क्यों नहीं बता रहे क्या वो परमात्मा तुमसे मिल गए
कीर्तन आत्मा बोले पाया क्यों हूं सो पाप है होया क्यों हूं सो पूर्ण पाया क्यों सो पाप है होया क्यों सो पूर्ण नहीं पाया नहीं खोया जो का क्यों बरबू नहीं पाया नहीं खोया जो का क्यों बरबू पाया कहूं सो पाप है मैंने क्यों प्राप्त कर लिया खोया से हम सब पूर्ण इनमें जब लग जाए परमात्मा दूर रह जाता है खिलौना है सब खेलते हैं धन है संपत्ति है पुत्र आदि जितने जो है सब एक दूसरे के लिए खिलौना है सब लोग इनमें तो लगे हुए हैं खिलौना में लगे हुए हैं परमात्मा को भूले हुए हैं कितना ही पद मिल जाए पदार्थ मिल जाए अनुकूलता मिल जाए फिर भी परमात्मा को फिर भी तत्काल परमात्मा नहीं मिलते फिर उनकी परीक्षा कर रही होगी उनको नित्य सिद्धि प्रदान करते नित्य सिद्धि लग जाए फिर परमात्मा दूर रह जाते हैं नित्य सिद्धि कब तक तब तक शरीर है और शरीर तक नित्य सिद्धियां समाप्त हो जाती है नरप्राणी बन जाता है किसी को आशीर्वाद दिया किसी को श्राप दिया आशीर्वाद से ही कमाई नष्ट होती है और श्राप से तो होती ही है बोलो साधन किया सीधा ही जागे करा नाद फल पावे किसी को दवा किसी को बेदवाइयों का नरक आ जावे विधि सिद्धि प्रदान करते हैं विधि सिद्धि में लग गया परमात्मा तो विधि सिद्धि को नया बना ठगोरी समझ रिधि सिद्धि ठगोरी है परमात्मा को पुकारते तब परमात्मा जी हमारे लिए ही रो रहा है फिर परमात्मा मिले फिर जीवों को अपनाते हैं सजन मेरा घर आओ सदा के लिए मेहमान सदा के लिए वो तो कुछ समय के लिए आता है ऐसे कुछ समय के लिए हमारे घर आंगन में पधार जाओ हमारा दिल आंगन में प्रकट हो जाओ देवो मोहे आदर इतना हमारा आदर आदर करिए हमको मान पर घर आओ ले जानो सुख हो वैसी प्रीत करी मैं जानो सुख हो वैसी प्रीत करी मैं जान अब मुझको मालूम पड़ी निकले तू गरी आपसे प्रेम करो प्रीत करो सहय करो सुख होगा आनंद होगा प्रीति मैंने ऐसे जानते की है तो अब हमको पता लगा है जिन्होंने आपसे प्रभु प्रेम के प्रेम प्रीत की है उनको आंसू आए
मैं जानो सुख हो सी प्रीत कभी भेजा, अब मुझको मालूम पड़िया निकले है दुपरी का। जिन जिन्होंने आपसे प्रेम किया है, आपसे प्रीति की है, उनको रोना ही पड़ा है, रोएंगे। बिना पंखे पंखे उदरण पर किस बिड़ी बोले आसमान, बिना पंखिया पंखे उदरण पर किस बिड़ी बोले आसमान। सज्जन ले रे मेर कर दे आज मिलूं या सा, सज्जन ले रे मेर कर दे आज मिलूं। दिन भर पक्षी की पंखिया नहीं है उड़ान नहीं कर सकते। Thank you.
स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की जय।
दरियाओं जी महाराज। संतों सर्वस दीन, सदगुरु साहेब संत सभी, दंडवत प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए दिन पर जाऊं कुर्बान, शरणों सतगुरु ज्ञान जो पकड़ हो रे प्राण, जन रजब लागे नहीं जम जालम रावा, शरणों सतगुरु ध्यान रहो मुखे दे हरि नाम, नित प्रति संगत साधनी जिन मोक्ष सुख राम। सतवादी सब संत है आप आपरी दान, आजन की अरदास है सब संतों को प्रणाम। राम 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 जी जय राम 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 ले जय राम राम रज रज राम रज जी जय राम राम रज रज राम 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 ली जय राम 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 रज रज राम रज जी जय राम राम रज रज राम रज जी राम 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 बोल मेरा भाई राम 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 बोल मेरा भाई बोल मेरा
सतगुरु जी महाराज की जय हो। सत्संग पाए कोई गरीब व्यक्ति था वहां, तो एक बड़ा सेठ थे, उनके घर हम गए थे, वो लेकर के गए तो सत्संग हमारे साथ चले, तो उनकी वहाँ की व्यवस्था देख करके वो तो हाजो हाँ महाराज क्या क्या हमको जाना है, उनको वहाँ की व्यवस्था पसंद नहीं, हम यहाँ कैसे बैठे बैठे देखो कैसा अभिमान है, उसमें ध्यान देना है। मेरा नाचती है गाती है रोती है, संतोष लंबा लंबा में प्रणाम करके दंडोत करती है, देरणा जेठना मेल करके आई राम मेरा को समझाने लगे, मेरा तुमको सर में नहीं आती है, गाती हो नाचती हो रोती हो, तुम्हारा घराना कैसा है, तुम कौन हो, चित्तौड़ की महारानी हो, अरे ऐसा करती हो, तुमको शर्म नहीं आती है, बड़ा सुंदर शराबी ने शराब न सुहा तो कहीं कीचड़ में पड़ा रहता है, रेत में पड़ा रहता है, गंदगी में पड़ा रहता है, भाषी नहीं उनका गंदगी का, बोलो राम ये तो नशा है ना भाई, ऐसे मेरा को ज्ञान का भक्ति का साधना का नशा आया, नशा में ऐसी निडर हुई मतवाली हुई, देर न जेठन है कहने लगी मेरा तुमको शर्म नहीं आती है, अरे किसकी शर्म, भले जगत के लोगों की शर्म, मेरा ने विचार किया इनको कैसे समझा रहे, तो संतों के पास में समझाना क्या सब ढंग होता है तरीका होता है, मेरा ने कहा तुमको तो शर्म नहीं आती, हमको किसकी शर्म, मेरा ने कहा तुम अपने आवास में अपने मेलों में जाती हो और दीवारों पर बुजुर्ग लोगों की तस्वीरें टांगी फोटो टंगे हैं, उनको देखकर तुम शर्म नहीं करते, घूंघट नहीं खींचते, तुमको शर्म नहीं आती, तेरे ना जेठाना कहने लगी मेरा उनकी क्या शरण करना, क्यों वो तो नकली फोटो नकली तस्वीर है, उनसे का शरण करना क्या घूंघट खींचना है, मेरा ने कहा दीवार पर लगे फोटो तुमको नकली नजर आता है और उनसे तुमको शर्म नहीं होती, इसे हमको संसार सारा नकली फोटो है, इसे क्या शर्माना है, नकली तस्वीर बहुत फूटे अपने देखते थे फोटो फाटिया है, ये तस्वीर फूटिया है जो कि फूटने वाली ही है, बड़ा सुंदर मंसूर को ऐसा ज्ञान का नशा आया, बकवास करने लगा, नशा में शराबी बकवास करता है ना, उनकी बकवास तो कूड़ी है, जब भजन का साधना का नशा आता है तो भगत भी संत भी बकवास करते हैं, उनकी बकवास क्या ये महापुरुषों की अनुभव वाणी ही उनकी वो बकवास है, अनुभव वाणी संत दास ये मधवा की गाज, सखिया बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज, ईमानदारी में कोई शर्म नहीं होता, संकोच नहीं होता, बेईमानी में शर्म होता संकोच होता, बोलो राम सखिया बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज, विधि निषेध करते गए, सच को सच ही कहा झूठ को झूठ कहा, चाहे कितने लोग विरोधी हो गए, प्रश्न प्रधान ने सब लोग कभी साहब के सिद्धांत बताया है, जब कभी साहब सत भाषण करते लोग उनसे विरोध करते, तो उन्होंने वाणी में गाया है Thank you.
हमको देखा जग बोराना, जग दिसाई लाए, दिसाई लाने पूर्व के और पूर्व बतावे तो विरोध करेगा। ये क्या कह रहे, हमको पागल समझा, इधर पूर्व कहाँ है, दिशाई लाने दिशा में दिशा उल्टी भाषा। संतों देता जग बोराना, साच कहूं जग मारन ध्यावे, और झूठा जग पते आना, झूठी बात जगाने छोकी लागे, सच्ची बात कड़वी लागे। बोलो राम जगत ऐसा प्रश्न पर जान देना, संत नहीं डरते नहीं घबराते हैं भाई, अनुभव वाणी संत दास ये मधुमा की गाज, सखिया बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज, नहीं सरमाए नहीं डरे नहीं भयभीत हो, मंसूर नहीं डरा नहीं भयभीत हो, बादशाह ने खूब धमकाया छोटी इस बात को, अर्जुन पूछा कौन हो तो बोला अनुभव मैं खुदा हूं, बादशाह की भाषा समझ में नहीं आ रही, वो आत्मदृष्टि से कहता है, बादशाह को आत्म ज्ञान है नहीं, कैसे समझे, अरे तुम खुदा कैसे हो, तुम तो मंसूर हो, अरे मंसूर नाम शरीर का है बाबा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, और मैं आत्मा और परमात्मा खुदा दो नहीं एक ही है। बोलो राम, कितना उनको विभीत किया, फांसी चूली पर चढ़ाया, नहीं घबराया, लगी मंसूर के ऐसे ही करी जिन्हें देख लो, जैसी अनल हक कहते यूं बाणी, सड़ी वो सूढ़ी नहीं वाणी, लगन की बात न्यारी है, कटारी सह करारी है, प्रसंग जान देना है। मेरे सदगुरु के समझ आया, परम पुरुष बिना और नहीं पुरुषों, भीम निरंजन राया, गटदारी से प्रीतन मेरी, गटदारी गटदारी से प्रीतन मेरी, गटदारी से प्रीतन मेरी, सो अवतार के वाया, सो अवतार के वाया, मेरे सत्संग में नहीं जा सकती, मेरा ने परमात्मा से करुणा की है, प्रभु हे मालिक, सत्संग बिना हमारा जीवन कैसे होगा, हमें जिंदगी कैसे रहोगे, जो मुझको सत्संग छुड़ा मेरा मरण तुम्हारी हो ही,
जो मुझको सत्संग छुड़ा मेरा मरण तुम्हारी हुई है। अब कोई हमको सत्संग छुड़ा देंगे मेरा मरण होगा प्रभु और तुम्हारी हंसी हो जाएगी। इसलिए कृपा करो मेहर करो ये बंधन को मुक्ति दिलाओ और मेरा ने गाया है। Sorry,
प्रसंग दिया है नमक की पुतली समुद्र का थाक लेने के लिए गई तो जिम गेरा में गिर जो मिटती गई मिटती गई मिटती गई सब पले गई थी तो वो पुतली मिट करके से भी सागर बन गई। वापस आकर के कौन उनका बखान करे। ऐसे महात्मा उस परमात्मा का ध्यान स्मरण करते करते वो सेमी वही हो गया। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर वो भी पार नहीं पाया। बाजी मान बीच में अट गया मोह लिया जिन माया वो परवृत्ति में लग गई। भजन साधना छूट गई। प्रश्न जान ब्रह्मा जी की क्या परवृत्ति है विष्णु की क्या परवृत्ति है शिव जी की क्या परवृत्ति है। आजाद है कोई भजन कर सकता है भाई जो परिवृत्ति में उनको समय नहीं विचार उत्तर करेगा भजन ब्रह्मा जी की प्रवृत्ति है संसार को बनाना रात दिन बनाना ही बनाने को समय नहीं फुर्सत ही नहीं है। रात दिन में बनाने में लगा हुआ है कि प्रवृत्ति से वो बद्ध है। भगवान विष्णु का नाम है ब्रह्मा जी संसार को बढ़ावे इनका प्रतिपालन का कोई भूखा पैसा जीवन दे रह जाए उनकी चिंता में वो लगे हुए हैं। और भगवान शिव जी की क्या प्रवृत्ति है ब्रह्मा जी संसार बनावे विष्णु जी उनका प्रतिपालन करे और संसार बने बने फिर समावे करे तो भगवान शिव जी उन्हें कठिन कैसा काटे नहीं तो कितना लंबा जब खिड़ी जी नीचे ही नाई उन्हें कठिन कर दे थोड़ा थोड़ा रखे
तो ऐसे भगवान शिव जी उनके कटिन में लगे हुए हैं। अभी कोरोना की बीमारी से मर गए हैं, भगवान शंकर कटिन कर लिया है, कम कर रहे हैं। बोलो राम, बहुत बार ऐसा होता है। भगवान शिव जी की ये प्रवृत्ति रात दिन इस कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए संत आजाद है, संत स्वतंत्र है, रात दिन भजन में लगे रहते हैं, तो कोई प्रवृत्ति है ही नहीं। बोलो राम, संत की कोई प्रवृत्ति नहीं है। दो रास्ता बताया है हमें, एक परवर्ति एक निवर्ति। तीसरा एक रास्ता और हमारे गुरु महाराज ने बताया है, एक निवर्ति एक परवर्ति, और दूसरा है परवर्ति निवर्ति। परवर्ति में रहता तभी निवर्ति, कोई बंधन में नहीं। बोलो राम, बाबूजी ने सिखाया ये आश्रम बना हुई यही परवर्ति है साधु की, भगत बना हुई परवर्ति साधु की। बोलो राम, गृहस्थों के घर है, साधुओं का आश्रम है, गृहस्थों ने बेटा बेटी ने चेला चेली भगत है, परवर्ति तो हुई। बोलो राम, आश्रम बनाओ को बनाओ, पर अपने लिए नहीं बनाओ, भक्तों के लिए बनाओ, भक्तों की सेवा के लिए, भक्तों के लिए बनाओ, अपने लिए नहीं। ऐसी भावना से बनाओ, ये परवर्ति भी ये वर्ती है। बोलो राम, ऐसा नहीं हम बना हम यहाँ रहेंगे आराम करेंगे कि तुम्हारे लिए वह बंधन होगा। आसन बनाओ भक्तों के लिए, भक्त यहाँ रहेंगे, भजन करेंगे, साधना करेंगे, यहाँ सेवा सुगत करेंगे, इसलिए बनाओ। और इच्छा से नहीं, अनिच्छा से दिन में बने असल में खुश रहो। बहुत समय से आप हमारे संपर्क में हो, बहुत लंबो छोड़ो पुसारो है, नहीं तो पुसारो मैं करियो, नहीं मैं करियो तो सुती हुई हो है। हरिद्वार तक पुसारो लंबो छोड़ो, आसन लंबो छोड़ी पहुंचता, हालांकि जोर आयो वही करता नहीं तो होने गई हो, फिर भी हुई हो, सपना में योजना हुई है, नहीं तो हमारा बंधन है, तुम्हारा बंधन तो थाने चिंता ही नहीं, नहीं हमको चिंता है, सहज में चल रही हो। बोलो राम, हाँ चलने वाला कोई कोई पहुंच ही जाए, अगला जाओ तो दूसरा और दूसरा पहुंच जाए। पुष्कर में अपने साहिबगंज जी का डोगरी बहुत सेवा करी, सोई शाम से दो युग सेवा करी, और इसी सेवा करी उनकी सेवा से अपने आश्रम की अम्बाई माँ को कीर्ति हुई। आज भी नाम अपना आश्रम का बाल्य कोई साधु संत आते हैं, तीर्थ गुरु है, पुष्कर आ जाते हैं, भोजन के लिए पूछ, भोजन कहाँ मिलेगा, भोजन वहाँ मस्त मिलेगा, दरिया राम सिंह आश्रम जो जाते उनको भोजन देते हो। कई गरीब गुरु का कहीं ऐसा है जो दिन में दो तीन बार चले जाता, ज्यादा जितवार मैंने कुछ को दे ही नहीं भेजता, सुवर्ण भाव। सारी शरीर चली गई तो मन चिंता हुई कि अब एड़ सेवा करने वाला कौन आई। बोलो राम, मैं गया तो अपनी मांग आएगा, बहुत बढ़िया सेवा करे आज भी, बट तीन व्यक्ति की सेवा वो एकला करे, इतने भाव सो करे, गाय की सेवा करे सवेरे तीन बजे उठ, जितने भिक्षा वाला भोजन बनावे, भोजन बना साधु सात बजे आज पर बैठ जाए, आश्रम कर समय पर मैं सब भोजन दे रहे हैं, फिर कोई और वो पता करी वो चिंता के साथ। बोलो राम, दो महीना सो हरिद्वार में अपना आश्रम चले, अंत चले, सिद्ध में चले, कोई बड़भागी किया कोई अयुग सेवा करने वाला, फिर दूसरा और जाता रहे आता रहे और चलते ही रही इनकी, नहीं तो हमको चिंता है, नहीं आप लोगों को किसी को चिंता, वो तो सहज में चलता चलेगा। ये परवर्ती भी निवर्ती है, कोई हमारा बंधन नहीं है। बोलो राम, इनको आप भगत लोग संभालो,
हमारे लिए वंदन है और आप लोगों के ये सारी भक्ति है, भजन है। आश्रम की व्यवस्था संभालनी, आश्रम के लिए इस व्यवस्था करनी, देख रेख करनी, ये आप सब लोगों की भक्ति साधना योग है। बोलो राम, ये परवर्ती निवर्ती है। घर में रहो, परिवार में रहो, जितना जीवन में गुरुओं के लोगों के जीवन में सत्संग जितना जरूरी है, इतना दूसरा कोई काम कार्य जरूरी नहीं है। बोलो राम। सत्संग का समय हो गया, सत्संग चल रही है। घर में कोई मुखी व्यक्ति की मृत्यु का संदेश आ जावे तो भी सत्संग नहीं छोड़े, उनको तो फिर ही जला देंगे। जलाना है और क्या करना है। बोलो राम। सत्संग ने छोड़े, मर गए बस मर गया है, वापस आने वाला है नहीं। अब कभी जलो, जलाना है, सत्संग को क्यों छोड़े। ऐसी सत्संग में निष्ठा हो, आस्था हो, श्रद्धा हो, ये इतना जरूरी है। भाई बहनों, दूसरा सब कार्य गौण है और गुरुमुखी लोगों के जीवन में सत्संग मुख्य है। बोलो राम। जी के धर्मपत्नी सब सत्संग में आते हैं, ये सब जगह पहुंच ही जाते हैं। बहुत बहुत इनको धन्यवाद है। बोलो राम। भाई बहन, हम दान पुण्य करते हैं। घर में एक व्यक्ति कोई दान करता है, उनके सब परिवार का हिस्सा रहता है, क्यों सबकी कमाई साथ शामिल है। बोलो राम। पर आप सत्संग करते हो, भजन करते हो, इनमें किसी का हिस्सा नहीं होगा, वो तो अपनी कमाई है, तो अपना पुरुषार्थ है। बोलो राम। एक व्यक्ति ने दान किया, उनमें सबका हक होगा, सबकी कमाई साथ है। कोई दुकान से कमाता है, कोई मजदूरी से कमाता है, कोई अपनी नौकरी से कमाता है, कोई कैसे कमाई समझी साथ शामिल, जब तक वो शामिल है। प्रसंग भाई भाई जब अलग होता है, पिता की संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। जितना भाई है उतना ही पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है और बराबर होता है। सब में बंटवारा हो ही जाता, कर लेते हैं। पर जिसने कोई विद्या का अध्ययन कर लिया, पढ़ाई कर ली है, उनका किसी का बंटवारा नहीं कर सकते। वो तो सेम की पुरुषार्थ है, सेम ने मेहनत किया। दूसरा, हम सत्संग करते भजन करते हैं, इनमें किसी का हिस्सा नहीं होगा, वो तो अपनी सेम की कमाई है। बोलो राम। सत्संग जीवन में कितना दुर्लभ है। बोलो राम। ज्यादा पुरुषार्थ करियो, ज्यादा की हो अंकर बोलियो, अंकर सत्संग करल भाई, मैंने सत्संग रे समय कहा है। भाई आप लोग ऐसा मत करना, सब कार्य गौण समझो, जीवन में सत्संग को मुख्य समझो। सत्संग की वाणी में इतनी महिमा है, इतनी प्रशंसा है। तपस्या वर्ष हजार की, हजार वर्षों की तपस्या से भी ये घड़ी का सत्संग का विशेष मित्र है। बोलो ना। तपस्या से तेज बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है, और सत्संग के द्वारा ताला खुलता है। सत्संग एक चाबी है, भर्म कर्म के ताला से हम सब जकड़े हुए हैं, बंद है, पराधीन है। सत्संग चाबी के द्वारा वो ताला खुल जाता है, हम आजाद हो जाते हैं। कितने बंधनों में जीव बंधा हुआ है, सदगंध के सत्संग के द्वारा ही बंधनों की निवृत्ति होती है। सत्संग क्या कहता है,
हे मैं बख्शु, हे जिज्ञासु, तुम्हारे कोई बंधन लागू नहीं है। तुम किसी बंधन में नहीं हो, तुम अज्ञान को लेकर के बंधन में बंधे हो। कोई बंधन तुमको बांधने वाला नहीं है। बोलो रहो, सब अज्ञान में बंधा है। अनेक बंधन से बंध गया, एक बेचारा जीव अज्ञान को लेकर। अज्ञान क्या है? बहुत बार सत्संग में चर्चा होती है, अज्ञान क्या है किसी को याद? बहुत बार सत्संग में खुलासा करते हैं, मैं शरीर हूं यही अज्ञान है। शरीर में हूं यही अज्ञान है। और शरीर में हूं तो शरीर के संबंधी मेरे हुए हैं, इनको अपना माना है, फिर इनका सब बंधन हो गया है। बोलो राम, शरीर में हूं यही अज्ञान कहलाता है। और शरीर के संबंध मेरा है, इन्हीं बंधन इन्हीं जाल में तो सब बंधा है जी। कबीर साहब कहते, मोर तोर की जेवड़ी गड़बंदी वो संसार, दास कबीर सा क्यों बंधे जिनके नाम आधार है। जिनके सत्संग का आधार है, भजन का साधना का आधार है, वो इन बंधनों में क्यों बंधे? प्रश्न का जवाब देना।
सबसे सस्त विशेष धर्मदास से महाराज हो गए थे। वैसे अनंत जो शिष्य हुए हैं, अनंत भक्त हुए हैं, पर कोई कोई विशेष होते हैं भाई। बोलो राम, विशेष कौन होते हैं, उन्हें क्या विशेषता होती है, तो वो विशेष होता है। सुखराम जी महाराज की वाणी में आता है, सत्संगियों में तीन श्रेणी बताई है। एक श्रेणी में चेला होता है, दूसरी श्रेणी में शिष्य होते हैं, और तीसरी श्रेणी में सेवक होते हैं। बोलो राम, ये तीनों श्रेणी बताएंगे, एक शिष्य की श्रेणी, चेला की श्रेणी और सेवक की श्रेणी। तो सवाल किया है, तर्क की है, इन तीनों में आपके विशेष कौन है, उसम पर ध्यान देना। आप सब गुरुमुखी भाई बहन हो। सवाल किया है, तर्क किए हैं सदगुरु, आपने ये तीन श्रेणी बताई, चेला शिष्य सेवक, इनमें आपके विशेष कौन है। वैसे करे अमुक जो विशेष है तो इनमें पक्षपात हो जाती, दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं। बोलो राम, गुरु वाणी तो हंस वाणी है ना, हंस दूध पानी को विलग करता है, ऐसे गुरुवाणी सत असत का निर्णय खुलासा करती है। आप किन तीनों में विशेष कौन है महाराज,
तो सदगुरु सुखराज महाराज ने कहा भाई तीनों में विशेष वो होगा जिनमें एक विशेषता होगी, वो विशेष होगा। अगर चेला में विशेषता होगी तो चेला श्रेष्ठ होगा, शिष्य में विशेषता होगी तो शिष्य श्रेष्ठ होगा, और सेवक में विशेषता होगी तो सेवक श्रेष्ठ होगा। कौन विशेषता? कैसो करा सुनो शिष्य सारा, या में अधिकांश हो कैसो करा सुनो शिष्य सारा, या में अधिकांश हो पतिव्रता को अंधता माई वचन न लोपे कोई, पतिव्रता को अंगता माई वचन न लोपे कोई। जिनमें पतिव्रता का अंग है, स्वभाव है, वो श्रेष्ठ होगा, वो विशेष होगा। हे सुखराम सुनो शिष्य सारा, या में अधिकांश ही वे, इन तीनों वो सस्त वो विशेष है पतिव्रता को अंगता माही, जिनमें पतिव्रता का अंग है। पतिव्रता का क्या स्वभाव, अंग के स्वभाव, उनमें क्या स्वभाव, क्या विशेषता होती है? बोलो राम। एक स्वागन कहलाती है, एक पतिव्रता कहलाती है, दोनों ही पति की ही अर्धांगनी होती है। स्वागनी बहुत होती है, पतिव्रता बहुत कम होते हैं। बोलो राम। स्वागन की पतिव्रता पति की अर्धांगनी कहलाती है, पति का काम कार्य संभालती है, और पतिव्रता भी वही कार्य करती है। तो पतिव्रता में विशेषता क्या है? स्वागनी कार्य करते हैं वो अपनी मनमानी से करते हैं, एम से करते हैं। पतिव्रता जो करते हैं वो पति की आज्ञा से करते हैं, उनमें ये विशेषता होती है। बोलूंगा इन विशेषता को लेकर के पति और पतिव्रता का श्मशान एक होता है, वो साथ जलती है, अपना जिंदा शरीर का हवन कर देती है, और अग्नि से वो जलती भी नहीं, घबराती नहीं, अग्नि का उनको ताप नहीं लगता है। पतिव्रत धर्म में ऐसी शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है। बोलो राम। Bye.
All right.